वेलकम गाइज, आज मैं प्रेपोजिशन पार्ट टू के बारे में टॉक करने जा रहा हूँ। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो प्रेपोजिशन है डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंपल प्रेपोजिशन है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है, पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन है एंड फ्रेजल प्रेपोजिशन है। तो कुछ प्रेपोजिशन है जो टाइम बतलाते हैं, कुछ प्लेस बतलाता है, कुछ कॉज बतलाता है। तो आज मैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे फॉर एंड सिंस है, यू नो दैट फॉर डिनोट्स ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम बतलाता है। और यह ऑलवेज परफेक्ट टेंस में जो यूज होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या परफेक्ट टेंस में यूज होता है सिंस और फॉर। जब दोनों का हम कंटेस्ट करते हैं तो फॉर डिनोट्स ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम बतलाता है ही हैज बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स, ही हैज बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स। यहां जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू नो दैट व्हेन एवर यू एड आईएनजी एट द एंड ऑफ एनी वर्ब इट बिकम्स फोर्थ फॉर्म अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन। जो कोई भी वर्ब है उसके अंत में हम आईएनजी लगाते हैं, रनिंग, टीचिंग एक्सेट्रा, तो वह क्या होगा, फोर्थ फॉर्म होगा। उसके बाद आप फोर लगाते हैं, इट डिनोट्स ए पीरियड ऑफ टाइम प्लस टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, जैसे 3 आवर्स है, 6 डेज है, सो एंड सो दैट। सो पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब जो फोर का यूज करो। और क्लियर है, मैं कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 4 आवर्स। तो यह जो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें फॉर बतलाता है, यह फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो गया। अगर कोई 8 आवर्स से पढ़ाई करता है तो हम फॉर 8 आवर्स बोलेंगे। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 8 आवर्स। तो यहाँ पर ए पीरियड ऑफ टाइम है, संपूर्ण समय की एक अवधि है, इसलिए यह पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। और जो सिंस है, सिंस इंडिकेट्स और डिनोट्स ए पॉइंट ऑफ टाइम। जो सिंस है आप नोट कर लो भाइयों, सिंस ए पॉइंट ऑफ टाइम है। क्लियर है, निश्चित है, सिंस 2018, सिंस जुलाई, सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock, क्लियर हुआ कि सिंस ए पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है। जैसे मैंने ग्राफ बना के मैं आपको समझाता हूँ, ये 1 o'clock है, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, तो सेपरेटली आइसोलेटली यह ए पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2018, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock। तो सिंस ए पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है। क्लियर है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन में कुछ रह गया था, ड्यूरिंग और थ्रू आउट, दोनों ये टाइम बतलाता है। ड्यूरिंग विंटर जो कंपेरेटिवली जो लॉन्ग टाइम है, हम ड्यूरिंग बताए का यूज करेंगे। ड्यूरिंग विंटर सीजन वी वेयर कोट,
और वार्म क्लॉथ। तो ड्यूरिंग जो जैसे हम कह सकते हैं कि जो वार्म जो सीजन्स है जस्ट लाइक दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें हम जो गर्म कपड़े पहनते हैं, तो यह एक ड्यूरेशन एक टाइम बतलाता है जो लंबी अवधि का है। ड्यूरिंग वार पीपल वर स्टार्विंग, वार के समय में युद्ध के समय में लोग भूखे मर रहे थे। क्लियर है। थ्रू आउट आई स्टडीड थ्रू आउट द नाइट THROUGHOUT। तो मैं संपूर्ण रात्रि भर पढ़ता रहा। तो थ्रू आउट होता है होल ऑफ किसी भी चीज का। थ्रू आउट हम ये भी कह सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर, कोरोना परटर्ब्ड अस थ्रू आउट द ईयर। तो थ्रू आउट मतलब पूरे मिलाकर के होता है समय में। ड्यूरिंग लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ड्यूरिंग वार, ड्यूरिंग विंटर सीजन, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट नाइट एंड सो ऑन। क्लियर हो गया दोस्तों कि थ्रू आउट कहाँ यूज होता है। इन और विद इन दोनों फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं। दोनों को अगर हम कंट्रास्ट करते हैं, आई विल कम इन ए वीक, इसका मतलब होता है कि एक सप्ताह पूरा होने के बाद में आऊंगा। कंप्लीशन ऑफ द टाइम इनका प्रयोग होता है। विद इन अंदर ही, विद इन आई विल कम विद इन ए वीक, मैं एक सप्ताह के अंदर ही आऊंगा। हो सकता है एक दिन पहले आ जाऊं, दो दिन पहले आ जाऊंगा, उसके लिए विदिन होता है। ऑन और अबव का देखो, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु किसी दूसरे पर रखा हो कैप्ट हो तो वहां ऑन का प्रयोग होता है, या स्पर्श मतलब टचिंग करता है। द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, माई कैप इज ऑन माई हेड। तो ऑन का प्रयोग होता है जब कोई किसी चीज को स्पर्श करता है। और ओवर का प्रयोग कहाँ होता है, ऊपर हो लेकिन स्पर्श नहीं करता हो। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ओशन। तो फ्लाइंग ओवर द ओशन, जो हवाई जहाज ओशन के ऊपर उड़ रहा है। द फैन इज मूविंग ओवर हेड। तो ओवर ऊपर हो लेकिन टच नहीं करता हो, ओवर का यूज होता है। सिंपल। उसके अलावा ऑन का और भी प्रयोग देखो, जो ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जो ईयर के पहले, सॉरी, जो ऑन का प्रयोग जो हम प्रयोग करते हैं, कोई अगर जो सीजनल किसी चीज का यूज करते हैं, ओकेजनल, जैसे ऑन ड्यूटी, वर्क ड्यूटी पर है, ऑन लीव, ऑन हॉलीडेज, और बिफोर द डे एंड डेट्स, डे एंड डेट्स ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, आई विल टीच यू ऑन मंडे। तो ऑन के प्रयोग हुआ। और डेट्स के पहले भी होता है, ऑन द 5th of July। तो आप क्लियर हो गया कि ऑन का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों इन का प्रयोग जो होता है वह ईयर के पहले, इन 1990 हो गया, तो इन 2000। तो ये इन सिंपल सा है, इस पर ज़्यादा टॉक करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ब्लाइंड ऑफ, ज़्यादातर लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, वह एक आंख से अंधा है, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ब्लाइंड ऑफ वन आई। ब्लाइंड टू कंसिक्वेंसेज, ब्लाइंड ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स, अपने दोषों के प्रति अंधा है, देखता नहीं है। तो ब्लाइंड टू का प्रयोग होता है। हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर वर्ड्स आर फॉलोड बाय पर्टिकुलर प्रेपोजिशन, ये भी आप देखो, अगर हम कंपेयर के साथ, COMPARE कंपेयर के साथ विद लगता है, और कहीं कंपेयर के साथ टू लगता है। कंपेयर विथ सिमिलर थिंग्स, समान वस्तुओं के बीच में हम तुलना करते हैं तो कंपेयर विथ होता है। और जो कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स, जो कोई डिसिमिलर है वहां कंपेयर टू लगता है।
द क्रिटिक कंपेयर्ड शेक्सपियर विथ कालिदास। ठीक है, शेक्सपियर भी एक व्यक्ति है, कालिदास भी एक व्यक्ति है यहाँ पर, तो ये कंपेयर विथ सिमिलर थिंग हो गया। आई कंपेयर्ड महाराणा प्रताप विथ अकबर, तो ये कंपेयर विथ हुआ। कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स, जिनके जो गुण क्वालिटीज अलग हो, तो वह होता है ओह माई लव इज लाइक ए रेड रोज, में मेरे अपने पढ़ा होगा, नहीं तो सुन लो। द पोएट कंपेयर्ड हिज लव टू ए रेड रोज, तो जो पोयम ने अपने लव की तुलना रेड रोज से की है। डोंट कंपेयर महाराणा प्रताप विथ, डोंट कंपेयर महाराणा प्रताप टू ए बर्निंग फायर। तो अब क्लियर हो गया कि कंपेयर के साथ विद कहाँ लगता है, कंपेयर के साथ टू कहाँ लगता है। कुछ और भी हैं, डिफर है, डी आई डबल एफ ई आर, डिफर डी आई डबल एफ ई आर, डी आई डबल एफ ई आर। अब इनके साथ कहाँ क्या लगता है आपको ध्यान से सुनना होगा कि डिफर फ्रॉम ए पर्सन, डिफर विद ए थिंग, तो अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा कि डिफर के साथ आप देखा, एंग्री के साथ देखो, एंग्री विद ए पर्सन, एंग्री टू एंग्री एट वंस बिहेवियर, एंग्री विद ए पर्सन, एंग्री एट वंस बिहेवियर। आई एम एंग्री विद यू बट आई एम नॉट एंग्री एट योर बिहेवियर। तो ये आपने देखा कि किस तरह से होता है, जो यह प्रपोजिशन के बारे में हमने बताया है, ध्यान से देखना है।